नमस्कार दोस्तों, उन्नीस अंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस एंड इंग्लिश के तहत 950वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है या अंग्रेजी पढ़ने से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रश्न आपके दिमाग में है और जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सब समस्या, जितने भी समस्या आपके, सबका समाधान यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 लेटर वर्ड जो केल शुरू हो रहे हैं वो होंगे, एक टेक्स्ट होगा, साथ ही अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के अलावा जो है एक प्रैक्टिस सेट होगा जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखिए अल्फ़ाबेट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला दो अलग अलग भाषाएँ, जी हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर की भाषा है, मतलब इंग्लिश ग्रामर का लैंग्वेज में है और ये हिंदी व्याकरण में है वर्णमाला। तो देखिए सबसे जरूरी है 26, ये 26 जो है स्पेशल है, 26 स्पेशल लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर और इसे आप सभी लोग उच्चारण करते हैं। लेकिन सिर्फ इसका उच्चारण इतना ही नहीं है बल्कि इसका उच्चारण और भी है, यानी टोटल उच्चारण 64 यानी 64 तरह से हो रहा है। वर्णमाला में उच्चारण जो है 50 हो रहा है, 50 कहीं जो है 14 अधिक है, लेकिन दिख रहे हैं यहाँ 50 जो दिखेंगे तो वही है, यहाँ 26 जो दिखते हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ 64 तरह से उच्चारण हो जाते हैं। अब देखिए जो भौबल है और संख्या है भौबल का 5, यहाँ भौबल जो है उसको अपने ई ए आई ओ यू के अलावा डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका होगा वो 23 तरह से होगा। आप काउंट करते चलेंगे इसे पता चलेगा कि 64 कैसे हुआ। अब 21 जो कॉन्सोनेंट होता है, ये कॉन्सोनेंट उसको कहीं ना कहीं 41 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब वर्णमाला, वर्णमाला की संख्या है 14 और व्यंजन की संख्या 36। ये वर्णमाला क्यों पढ़ना है भला, इसलिए दोस्तों कि हिंदी से अंग्रेजी सीखना है तो इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ते समय हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश में लिख दिया जाता है। तो आप चाहे तो आप लिखने में आपको वो काम आएंगे या आपको पढ़ने में काम आएंगे, जैसे आप नाम लिखते हैं या कहीं किसी का पता भेजते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी कहीं भी लिखते हैं ना, तो लिखते समय हिंदी का अंग्रेजी का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं सर, क्योंकि दिमाग में वही चलता है। अब मान लीजिए इंग्लिश से सेंटेंसेस लिखना चालू कर दिया तो सबको नहीं समझेंगे, तो हिंदी का अंग्रेजी सब कुछ समझते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ये तो ये देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में समझ लीजिए कि भौबल का खेल बहुत ही बड़ा है, संख्या भले ही कम है लेकिन उच्चारण देखिए 23 तरह से, कितना गुना समझ लीजिए कि 4 गुना है। जी हाँ, अगर 4 से भाग मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि 5 गुना के आसपास है ये, तो भौबल से 5 गुना, जबकि ये इसका दुगुना ही है। जी हाँ, अगर कहा जाए कि इस मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 गुना है ये उच्चारण, कहाँ ये 5 गुना, तो ये 5 गुना में यानी कह सकते हैं कि 26 के अलावा कि एक भी अगर गड़बड़ होता है लेटर्स को उच्चारण करने में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस बात को आप दिमाग में बैठाइए, तो सब जितना भी उच्चारण वो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस करेंगे, पार्ट्स ऑफ जो वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ वर्ड पे अगर आप नहीं फोकस करेंगे, उसे याद नहीं करेंगे तो आप बहुत तेज़ी में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप पटकते हैं, स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। साथ ही पार्ट्स ऑफ वर्ड के अगर मीनिंग्स को याद करते हैं तो कोई भी वर्ड को आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। यहाँ जिनको भी जो भी गैर भाषी जो गैर हिंदी भाषी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो स्वर है, स्वर का उच्चारण क्या होता है। अंग्रेजी आपको तो यहाँ पर मिल ही जा रहा है और कैसे इसका प्रयोग करना है, देखिए एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अ आ ई ई उ उ री री ए ऐ ओ औ अन अ, ये बड़ी री जो है ये बड़ी री साइड सी बात है और अ के लिए ये प्रयोग में नहीं है। अ के लिए मात्रा चिन्ह अ, हाँ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं था आकार का, ये मात्रा चिन्ह छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से, छोटी उकार का ये, बड़ी उकार का, री का ये, बड़ी री का। उसके बाद ए का मात्रा चिन्ह ये है, अ का मात्रा चिन्ह ये है, ओ का मात्रा चिन्ह हुआ, औ का मात्रा चिन्ह हुआ, ये अन का हुआ और ये चंद्रबिंदु है, उसके बाद ये आ का मात्रा चिन्ह हुआ।
तो अच्छे से समझिए इसको, मैं बताऊंगा भाई ये मात्रा चिन्ह क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड लिख देते हैं क्री और ये पा, तो देखिए री जो है यहाँ से लिया गया जिसके लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे, और आकार जो है यहाँ से लिया गया। तो यहाँ से मान लीजिए लिखा रहता आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट आ जा रहा है, अब प आ जाएगा। तो क्री कैसे लिखेंगे कृपा अंग्रेजी में, के आर आई अब पी ए पा कृपा, चूँकि लास्ट में आकार इसलिए एक आ दिया गया, डबल ए की जगह सिंगल इस्तेमाल। आपके लिए क्या करते हैं डबल ए और पी आप, है ना आप। तो ये चीज़ आपको समझ जाना होगा। देखिए बड़ी ई के हिंदी बड़ी ई रहे तो उसका अंग्रेजी ना लिखकर छोटी ई यानी आई का इस्तेमाल करते हुए, हिंदी बड़ी ऊ रहे उसका डबल ओ ना लिखकर, जी हाँ मतलब उसके लिए छोटी यू का इस्तेमाल करते। जैसे मान लीजिए लिखा रहे आपको इस तरह से, देखिए ये सूरज लिखते हैं, ठीक है सूरज लिखते हैं, सूरज ऐसे लिखा जाता लेकिन इंग्लिश करते समय एस यू आर ए जे करते हैं सूरज। अब देखिए बड़ी उकार के लिए डबल ओ हो जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ यू हो गया, अब समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता सीता, सीता लेकिन सीता लिखते समय क्या करते हैं एस आई टी ए, यहाँ बड़ी उकार के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कहाँ आई का इस्तेमाल, छोटी ई का अंग्रेजी ई का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए लिखते हैं राम, ठीक है राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं आर के साथ डबल ए लिखते हैं ना, लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल ए का इस्तेमाल कर राम हो गया। लास्ट में अ एम म के साथ जो अ है वो नहीं लिखते हैं। ये कैसे लिखा गया भला, तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इस तरह से राम लिखा गया। तो चलें आगे बढ़ जाते हैं, व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन जी हाँ, तो व्यंजन जो है 36 है, 36 व्यंजन है आधा, ये आधा इस तरह से लिखा जाता है, ये आधा आप समझ रहे होंगे कि आधा लिखने का ये तरीका है आधा। तो देखिए कोई भी व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ेंगे, स्वर कितना है 14 है, कोई एक स्वर जोड़ देंगे और उस स्वर के साथ जो है वो एक अक्षर कहलाएगा, ठीक है हमारी बातों को समझ रहे हैं तो समझिए फिर से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ले लिया ये वाला व्यंजन प का आधा प, और यहाँ पर मैंने उ लिख दिया जो कि स्वर है हमारा, तो अब इस तरह से पू हो गया। तो ये पू जो हुआ मात्रा चिन्ह के साथ हुआ, अगर प लिखना रहता तो क्या करते प में अ करते, तो हमारा एक हो जाता प, क्या होता प हो जाता, किधर लिख सकते थे प या फ कोई भी। तो 12 खड़ी आप देखते होंगे जैसे प पा है ना, पी पी पू पू पे, तो ये सब में जैसे प में अ है लिखा हुआ आ है, पा में आ इसी तरह से होगा, इसी तरह समझना होगा। पी में छोटी है, पू में बड़ी, पी में जो है बड़ी ई हो जाता है, पू छोटी पू में जो है उ हो जाता है, बड़ी पू में बड़ी उ हो जाता है, पे में ए हो जाता है, यानी कि जो हमारा व्यंजन उसमें ये सब मात्रा जुड़ा हुआ इसके अनुसार ये 12 खड़ी होता है। अब देखिए यहाँ पर अक्षर तर ज्ञा जो है तीन संयुक्त अक्षर है, यानी अक्षर जो है के और एस एस से बना है, तरह टी आर से बना है, अज्ञा जी वाई से बना है ना। तो देखिए ये संयुक्त अक्षर है, ये तालाबिश है, मूर्धनि से दंश है, युवा के लिए वी डब्ल्यू है। अंग जो आप संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है, हिंदी में नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, बाकी इसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए, याद करना दिक्कत नहीं होगा, याद करेंगे तभी आप हिंदी के अक्षरों को लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है रमन, अब ये देखिए र है आधा म है आधा ण है, असम में अ है, तो इस तरह से रमन, इसमें कोई मात्रा चिन्ह दिखता ही नहीं है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लिखते हैं रावण रावण। तब यहाँ देखिए क्या लिखता है, लिख रहा आकार है, यानी कि र आ व अण अ, तो ये देखिए रावण लिखा गया है, इसमें आकार है तो यहाँ मात्रा चिन्ह दिख रहा है। अगर इसी तरह देखते हैं किला लिखते हैं किला, तो देखिए दो आकार है, एक तो छोटी आकार है तो आकार है, कैसे लिखेंगे किला, क ई ल आ किला, देखिए किला लिखा गया। जिनको मात्रा याद नहीं है, मात्रा चिन्ह याद ना रहे, वो इस तरह से लिखें, शब्द विस्तार करके उसका अंग्रेजी करें,
और जिनको आ जाए याद हो जाए लिखते लिखते तो वो डायरेक्ट उपयोग करें, किला लिखना हो तो किला लिख देंगे, किला डबल ए नहीं एक ही ए लिखेंगे क्योंकि वो डबल ए नहीं है तो किला लिख देंगे। तो इसे समझ आया कि हाँ रावण लिखना है तो क्या करेंगे रावण, अब वी लगाना है या डब्लू लगाना है ये देखते हैं, तो वी नहीं की जगह वी ज़्यादा लोग लिखते हैं तो वी लिख देंगे। रमण लिखना है तो रमण, लास्ट में अ नहीं रहता है ठीक है, जब मात्रा चिन्ह नहीं रहे तो मात्रा चिन्ह तो है लेकिन अ का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता इसलिए ए का कुछ वहाँ पर नहीं पड़ेगा लेकिन इसके अलावा सब पड़ेगा। तो ये समझिए कि जिनको नहीं आ रहा वो इस तरह से लिखे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल के जितने भी सारे नाम हैं जो कि आपने सेट कर रखे फीड कर रखा है मोबाइल में, जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपका मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक कीजिए और उसको सुधारिए करेक्ट कीजिए। जिनको बहुत सारे लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं तो शॉर्टकट क्यों लिखे, अब मान लीजिए लिखा रंजीत, रंजीत लिखा है, देखिए रंजीत लोग ऐसे लिखते हैं रन, चूँकि ये बिंदु है इसका मतलब होता अन है ना, तो रन जीत के लिए डबल ई का इस्तेमाल लोग करते हैं रंजीत। कुछ लोग जो है रंजीत में ऐसे भी लिखते हैं रंजीत, तो ये सब लिबर्टी लोग लेते हैं लेकिन ज़्यादातर रंजीत इसी तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो है 21 है ना, लेकिन ये दो गुना उच्चारण हो करता है 41 तरह से, दो गुने तरह से इसको पढ़े जा सकते हैं कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ पर जो भी पढ़ा गया वहाँ बगल में लिख दिया गया, जैसे कि सी को क श बोलते हैं, ये स कब बोलते हैं ये मैं बता दूँ आपको, डी को डा बोलते हैं ज भी बोलते हैं, जैसे ज कब बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट ले लीजिए, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज हुआ, अब देखिए सी को स का बोलते हैं, सी के साथ जब आई रहे सी के साथ जब ई रहे तब सी का उच्चारण स के तरह होता है। उसके अलावा सी को क को सी एच सी के क्यू क्यू यू कहते हैं, ग कब बोलते हैं ज कब बोलते हैं, जैसे गॉर्जियस ले लीजिए गॉर्जियस, पहला जी ग दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हुआ गॉर्जियस। टी को टा का बोलते हैं चासा का बोलते हैं, इसको बात को समझिए, टी को च सब बोलते हैं, जैसे टी टी आई से श होता है और टी यू से च होता है, तो ये टी आई ओ एन को शन बोलते हैं, टी आई एल को सीयर बोलते हैं, उसी तरह टी यू ए आर ई को चर बोलते हैं और टी यू एल को चुअल बोलते हैं है ना, भी को व बोलते हैं भा बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा व के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कौन से लोग कर रहे हैं लिखते समय, आर को रा भी बोलते हैं और अड़ा अड़ा भी बोलते हैं, जैसे गुड़ ठीक है गुड़ लिखते हैं गुड़, या एस को सा बोलते हैं इसको ज बोलते हैं, ई एस से भी ज उच्चारण होता है, ये सब एक्स को एक्स बोलते हैं, जब सिंगल एक्स दिख जाए ओ एक्स एक्स एफ एक्स एफ ओ एक्स फॉक्स तब एक्स को एक्स बोलते हैं, कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट हो तब ई एक्स को एक्स बोलते हैं या ई एक्स को एक्ज का रूप में बुलाते हैं तो एक्ज होता है, जैसे ई एक्स ए एम एग्जाम एक्स का उतारूँगा या ई एक्स सी यू एस सी एक्सक्यूज, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहा है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का देखिए दो चीज़ है, एक तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो दूसरी बात स्क्रीनशॉट लेंगे जो बगल में आप पहला दूसरा लाइन देख रहे हैं हिंदी ये इंग्लिश और इसका हिंदी ये हिंदी इंग्लिश हिंदी, ये पूरा लिस्ट दोनों आपको सिर्फ इसका एग्जांपल्स नहीं नोट करना बाकी सब कॉपी पे लिख लीजिए, लिख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो आप इधर देख रहे हैं इधर जो आपको मैंने घेर दिया पूरा 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 ले लीजिए इसको, और इधर जो है दो ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ इसको पूरा ले ले, तीन स्लाइड में ऐसे ही होगा पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए लिख लीजिए और उसको एज इट इज़ याद कीजिए, जैसा लिखा हो वैसा याद कीजिए। जी हाँ ऐसा नहीं कि अब टी आई एन है तो उसको टी ऑन पढ़ दे रहा है, ऐसा नहीं, मैंने बगल में लिखा है कि टी आई एन को क्या बोलते हैं तो टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, टी आई को सी एल बोलते हैं, टी यू आर को चर बोलते हैं, टी यू को चुअल, प्रो सन जन लॉजिटिव इज सी ए टेड एज, इधर देखिए ई एन को एन कन कम अर टेंट अल ई एल सिव एंस है ना एंस एन एस्ट, ये सब लिखा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पर टी एन को क्या बोलते हैं सन, तो इसको याद रखिए कि सन है, तो नेशन, अब सिर्फ पढ़ना क्या है, देखिए सब मिल जा रहा है पार्ट,
यहाँ देखिए सी एल एक पार्ट है, ई एन जिसके साल का शेन एक पार्ट हो गया, टी वाई को चर पार्ट बोलते हैं, चुअल पार्ट हो गया, जन हो गया, प्रो हो गया, उसके बाद ऐसा एन को सन बोलते हैं, आई एन को इन बोलते हैं, टी आर को टर बोलते हैं, इंटरमिशन। यहाँ देखिए इको है, एक लॉजी दो पार्ट हो गया, एक भी पार्ट है, टी भी पार्ट है, इज भी पार्ट है, तो सिटी जो गया बगल में इधर देख रहे होंगे, टी डी को ट्रेड भी बोलते हैं, आई टी आई ए को सी ए बोलते हैं, आई एन को इन बोलते हैं, इनिशिएट तीन पार्ट बनाया, कलेक्टेड हो गया, एज हो गया, लिंकेज हो गया, यहाँ एस लगा तो सेन हो गया, एम लगा तो मेन हो गया, टी लगा टेन हो गया। अब कन को लेकर देखिए, कन भी है और मर, ई आर के साथ एम लगा मर हो गया, कंज्यूमर है, सो जब लग कम हो गया, टर हो कंप्यूटर, पावर हो गया, यहाँ देखिए इम हो गया, यहाँ टेंट हो गया इम्पोर्टेंट, टी आर को फोर बोलते हैं, टी आई एन को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं नेशनल, यहाँ ए एल, यहाँ पर देखिए सिब है तो एस आई वी सिब होता है, कॉम्प्रीहेंसिव, आई एम को इम बोलते हैं, टी एन सी को टेंस बोलते हैं, पी यू आर को फोर बोलते हैं, इंपॉर्टेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस हो गया, ई एन सी को एंस बोलते इधर, एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, ए एन को एन बोलते आर लगा रेन, बी एस टी को बेस्ट बोलता है, एफ बी लगा बेस्ट, आर लगा तो रेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से समझिए बुझिए। और दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें भी, इसमें भी जो आप जो है उसको अच्छे से लिखिए, कोई भी लोग हो, कोई भी किसी भी लेवल, भले ही कोई अनपढ़ भी व्यक्ति हो, लेकिन ये भी सीरीज जानता हो या जो मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे बात जब मैं एडवांस लेवल पढ़ने का कोशिश करता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई आ ही नहीं रहा, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि पहले इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या को तो बढ़ा दिया जाए। अब इंडिया में जब इनको इंग्लिश ही नहीं पढ़ने आएगा तो आखिर आगे सीखें कैसे। तो यहाँ देखिए जो आपका एक साइड का है उसको आप अच्छे से इधर या नोट कर लीजिए कॉपी पे और याद कीजिए, इधर भी आप ये वाला कॉलम जो है आपका पूरा हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश है और हिंदी वाला उसको याद कर लीजिए, लिखिए कॉपी पे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे ओ डब्ल्यू क्या बोलते हैं, कहीं भी ओ डब्ल्यू दिख जाए तो एल लगेगा तो लो, या एल एन लगा तो ओ डब्ल्यू पर एन लगा तो नाउ, चाहे तो लो होगा, चाहे तो ओ चैन करेंगे, चाहे तो ऑफ करेंगे, तो ओ करेंगे तो लो हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ना हो जाएगा। ए वाई से ए बोलते हैं तो देखिए ए वाई के पहले एस लगा सी होगा, ए वाई के पहले एम लगा मे होगा, ए वाई के पहले पी लगा पे होगा, ए वाई के पहले डी लगा डी होगा। ए टी को एट बोलते हैं, एट तो ए टी के पहले एम लगा मैट, ए टी के पहले आर लगा रैट, ए टी के पहले सी लगा कैट, ए टी के पहले टी एच लगा डैट। अब देखिए ए टी ई को एट बोलते हैं, जैसे कि एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। पी आर ई को बोलते हैं प्री भी प्रे भी, जैसे प्री हो गया तो प्रीफिक्स हो गया, अगर प्रे पढ़ते हैं तो प्रे पढ़ते हैं, प्रेजेंट इसमें इसको जा बोलते हैं, ई एन टी को एंट बोलते हैं, प्रेजेंट हो गया। ओ यू स्क्वास बोलते हैं, देखिए ओ यू एस एस है, सी यू एन कन है, टी न्यू कंटिन्यू कंटिन्यूस, देखिए सी यू एल कल है तो कल है, चर भी एक पार्ट हो गया, आई जिस टी को आइट बोलते हैं, तो यहाँ आइट है, यहाँ आइट है, यहाँ आइट है, एन के साथ नाइट, आर के साथ राइट, एफ के साथ फाइट। एक्सेस में देखिए एक भी है और सेस भी है, एक्सेस एल एल ई डबल एस लेस लेस हो गया, और डी के साथ ई डबल एस डेस हो गया, एन के साथ ई डबल एस नेस हो गया, है ना। वॉक वॉक में एल जो है एल साइलेंट है। अब देखिए ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, एस लगा ऑन्ग सॉन्ग हो गया, एम लगा अमोंग हो गया, रॉन्ग हो गया, बहुत सारे पोंग हो गया। एस यू आर ई को क्या बोलते हैं, एक तो जर भी बोलते हैं, एश्योर भी बोलते हैं, एश्योर है या आप देखते होंगे लेजर में, लेजर में वो लेजर है, लेजर वही खाता हुआ लेजर में एस यू आर को जर पढ़ते हैं। ट्री जो है जैसे यहाँ देखिए ट्री कंट्रीब्यूटेड, तो कन भी है, ट्री भी है, ब्यूटेड भी है। इको से इको है, ये लॉजी है, ई आर एन को अंड बोलते हैं, तो देखिए सी के साथ लगा सर्न हो गया तो कंसर्न हो गया। ओड वाले कुक बोलते हैं, टी के साथ टूक हो गया, एल के साथ लुक हो गया, और एच के साथ जो है हुक हो गया। एल वाई को ली बोलते हैं तो ऑनली हो गया, सी ओ को बोलते हैं को ऑपरेशन, टी एन को शन बोलते हैं। इंग हो गया कमिंग डांसिंग रनिंग, सी को सब बोलते हैं तो पुलिस हो गया, एल एम को ला बोलते हैं काम हो गया, लॉज हो गया, शाइन हो गया। ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा। दूसरी बात दोस्तों एक और देख सकते हैं, ई एन टी को एंड बोलते हैं तो आर टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन को ऑन बोलते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑन गोइंग इस तरह के वर्ड बन जाते हैं। ई एम को एम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड, ओ एन ई को ऑन बोलते हैं तो डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा प्रोन, टी लगा टोन, स्टोन बोल देंगे, सिंगल ओ एन ई रहेंगे तो वन पढ़ेंगे। इसका ए बी एल को एबल बोलते हैं तो टी के साथ लगा तो टेबल, जैसे जिसके साथ लग जाएगा तो वो एबल आ जाता है। जैसे कम्फर्टेबल तीन पार्ट से एक वर्ड बन गए, ई ए को ए, जैसे लिख हो गया, टी हो गया तो बड़ी के रूप में इसका उच्चारण होता है, बड़ी कार की मात्रा डिस डिसकम्फर्ट और जन। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों,
पहले मैं बता दूँ यहाँ पर, यहाँ रीजन दो पार्ट से है, क्योर, तो यहाँ देखिए क्योर भी आया, प्रो भी है, ई एन टी एम के साथ मेंट, प्रोक्योरमेंट, इवल जो है यहाँ एस के साथ लगा तो सीवल हो गया, और ए सी एन सेन भी हो गया तो सेन सीवल हो गया, इम है तो इम बैलेंस, एन सी एल के साथ लगा तो लेंस हो गया, ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते, तो एक्सचेंज हो गया और एग्जाम हो गया। यहाँ पर आप एम कटा हुआ देख रहे हैं। चलिए ओ यू डी कॉन्ड बोलते हैं तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड हो गया। यू एन आई को यूनी बोलते हैं, यूनाई बोलते हैं, जैसे यूनी साइकिल या यूनाइट, है ना। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि आपके पास एक डिक्शनरी का बुक है, ठीक है, ये डिक्शनरी दोस्तों कहीं ना कहीं आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें अगर मान लीजिए कि 1,00,000 वर्ड है, ठीक है, 1,00,000 वर्ड मीनिंग है। अब 1,00,000 वर्ड मीनिंग है तो क्या आप 1,00,000 वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, वो 1,00,000 वर्ड्स को याद करेंगे, उसका स्पेलिंग याद करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका याद करेंगे, उसका उच्चारण याद करेंगे, उसका अर्थ याद करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको एक ऐसा तरीका खोजना है जो मैं बताऊँगा कि एक जो ये पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू जो आप सभी वर्ड को पढ़ पाएंगे, सभी वर्ड को पढ़ पाएंगे, और अगर इन पार्ट्स ऑफ वर्ड के मीनिंग को जान जाते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है, जो कि मैंने एक वीडियो में मैंने लाया भी है और दो आने वाले हैं, तो आप गारंटी है कि आप जो है इतना अच्छा से पढ़ेंगे और सभी वर्ड का एक कॉमन मीनिंग समझ सकते हैं कि भाई जब इम लगा तो इसका क्या मतलब हो सकता है, डिस लगा इसका मतलब क्या होगा, एंट लगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑनडी लगा इसका मतलब क्या होगा, एक्स जब किसी वर्ड में लगा हो तो इसका एक अर्थ क्या हो सकता है। इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो हर वर्ड आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वैसा इसलिए ज़रूरी है, हमने तो हर वर्ड को पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर डिक्शनरी में ही रह जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो अभी तक पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिए थे, उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ मैं प्रूफ करके बताऊँगा कि कैसे ये पार्ट्स ऑफ वर्ड आपके लिए बार बार रिपीट होते रहते हैं, और इन रिपीटेशन को अगर आप पकड़ लेते हैं, यानी कि लगातार जो बार बार दोहराने वाले जो हिस्से हैं शब्द के, अंग्रेजी वर्ड के जो हिस्से हैं, उससे अगर पढ़ना ईजी हो जाएगा। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से आ रहा है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह के वर्ड्स को जो है उम्मीद भी की जाती है कि आप लिखें, पढ़ें, बोलें, है ना। तो लिखने कम से पढ़ने तो पहले तो पढ़ना उद्देश्य है, फिर लिखना, फिर बोलना, तो सब काम एक साथ ही होता है। अभी आप जो जिस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो काम आपका पहले होगा, बाकी काम पीछे होगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए टी एन को बोलते हैं सन, ये सन है। सी ओ एन को बोलते हैं कन, ई आर को बोलते हैं लगा जर, है ना। तो तीन पार्ट से एक वर्ड बन गया है। यहाँ पर देखे ई एन सी एन है, डी के साथ लग गया तो डेंस हो गया, ई एन एन है, पी के साथ लगा तो पेन हो गया, तो पार्ट मिल रहा है। ए एन सी यहाँ पार्ट मिल गया, यहाँ देखिए टी वाली चार पार्ट मिल गया, यहाँ भी देखिए चार मिल गया पार्ट, यहाँ पर जो है कल है। आप यहाँ देखिए एस टी एन को यहाँ भी देखिए सन बोला है, यहाँ एक्सट्रैक्शन में है, वहाँ पर कंजर्वेशन में था। यहाँ पर देखिए एस आई एन को क्या पोजेशन जन पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर देखें सी एम कम है। तो इसी तरह आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं इसको पार्ट्स ऑफ वर्ड को ही याद कर ले, इसे पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाए। देखिए कंजर्वेशन ऑफ ई आर को आर लगा, आर बोलते हैं लगा तो नर हो गया, तो मिन न मी नर, और इसके साथ अल आर के साथ जुड़ के रल हो गया, तो मिनरल्स, तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स वी ऑल एप्री, देखिए एप्री सी ए टी आई जैसे था ना, उसी तरह सी आई सी आई ए, तो सी एट, ऐसे भी ए टी को एट बोलते हैं, तो सी एट हो गया, appreciate है ना, सी एट, सी आई को क्या सब बोलते हैं, द स्ट्रॉन्ग, एस ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, तो एस टी आर के साथ ऑंग जुड़ा तो स्ट्रॉन्ग हो गया। डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल, नर के साथ अल जुड़ गया, मिनरल्स डिपोजिट्स एंड द देखिए एस यू बी सब सबस्टेंसेस मैन्यू मैन्यूफैक्चर्ड फ्रॉम, देखिए एफ आर ओ एम फ्रॉम देम द टोटल, टी के साथ अल लगा टल हो गया, वॉल्यूम
ऑफ वर्क, वर्क के साथ एबल जुड़ गया तो वर्केबल हो गया। फिर से मिनरल डिपोजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शन, टी एन को बोलते हैं सन, फॉर एग्जाम्पल 1%, ई आर को आर पी लगा पर, सी ई एन टी को एंड सी लगा सेंट ऑफ द अर्थ, एपोस्ट्रोफे बोलते इसे, जिसका मतलब होता का, ठीक है। अब क्रस्ट वी आर रैपिड के साथ लग गया ली, रैपिडली। यहाँ देखिए कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग हो गया। मिनरल्स रिसोर्सेस दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड, टी डी को बोलते टेड एंड कंसेंट्रेटेड, टी डी को टेड बोलते थे, ई एन को एन सी लगा सेंट, कंसेंट्रेटेड द जियोलॉजिकल प्रो, पी आर ई को बोलते हैं प्रो, प्रोसेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स फॉर्म फॉर्मेशन सन है, आर सो स्लो, एल ओ को लो बोलते हैं, तो एस लगा स्लो हो गया, दैट द रेट्स, एक के बाद ये रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफिनिटली स्मॉल इन कंपैरिजन, है ना, इसको यहाँ जाए बोला गया कंपैरिजन टू द पी आर ई प्रे हो गया, एस ई एन टी सेंट हो गया। कंप्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन, मिनरल्स री सोर्सेज आर देयर फॉर फिनिट एंड नन रीन्यूअल, रीन्यूअल रिच मिनरल्स डिपोजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट्स लिव्ड पोजेशंस, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शंस ऑफ, इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब चलिए जो वर्ड्स देख रहे हैं 10 लेटर वाले वर्ड्स को भी देख लीजिए, कैसे पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा जाता है। लव लेस ली, तीन पार्ट से बना, दो पार्ट तो जुड़ी दिख रहा है, एक तो ली का, एक ई डबल एस का, लेस का। लव लेसली, यहाँ देखिए आइट वाला पार्ट देखिए, तो लव लाइट्स, लवली हेड, लवली नेस, यहाँ नेस आ गया है, देखिए ई डबल एस एन के साथ लगा नेस, यहाँ एल के साथ लेस था। लव मेकर्स, लव मेकिंग एंजिंग बोलते हैं, लव रीजेज, लव स्ट्रक, लव वर्थी, लविंगनेस, लविंग है और ये नेस, लविंगनेस, लविंग गुड्स, उसके बाद देखिए लविंगस्टन, लविंगस्टन, लो वॉलिंग, नेक्स्ट लो ब्रोविज्म, लोवेंथल्स, लोअर केज्ड, लोअर केसेज, लोवरिंगली, एल वाई को ली बोलते हैं, लोवरिंगली, लो लैंडर्स, लो लैंडर्स, लो लाइटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, लो लाइटेड, लॉली हेड्स, लो शनिंग्स। दूसरा पार्ट देखिए, ल्यू क्यू लेंट ली, लेंट हो गया, ली हो गया, दो पार्ट है यहाँ पर। फिर देखिए लुट फॉर डियन, फिर देखिए लूड ग्रोवियन, लुडीब्रियस, लुडीब्रियस, लुफ्ट मेंस, लग नेसर्ड, लुगुब्रियस, लुकासेनका। देखिए ये सब वर्ड्स जो है आप जब, मैं बता दूं कि बहुत सारे वर्ड्स अब जैसे कुछ एस्टोनियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जापनीज, है ना, चाइनीज, कुछ भी वर्ड्स आपको इस तरह के मिल सकते हैं, उन सबका हिंदी से अंग्रेजी किया गया है, तो एक तरह से आप पूरे यूरोपियन कंट्री के वर्ड्स, लोकल वर्ड्स हैं उसका अंग्रेजी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इंग्लिश वाले वर्ड्स भी इसमें हैं, जैसे लिक बर्मली, लुके बर्थ, लुला बिंग, नेक्स्ट है लुमाशेला, लम्बरिंग्स, लम्बर जैक,
लंबर मील, लंबर सम, लंबर यार्ड, लंब्रिकल्स, लंब्रिकॉइड। यहाँ देखिए ल्यूमिनेरेज, ल्यूमिनेंसेज और है ल्यूमिनेरियस। तो ये दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ने आगा आ ही जाएगा। अब देखिए वोवेल पे भी फोकस करना होगा कि वोवेल को किस तरह से उच्चारण कर, जैसे ए जो है वोवेल उसको कैसे कैसे पढ़ें। तो दोस्तों ए वोवेल है तो हर एक वर्ड में अलग अलग उच्चारण होगा, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का उच्चारण होगा सब वर्ड में। सिंगल अगर पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे, इसका उच्चारण जो है चार तरह से पढ़ते हैं, इसके अलावा नहीं आप पढ़ सकते, अगला कोई और तरीका है। तो जैसे मेडल में ए को अ पढ़ा गया है, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, अमैन में ए को आ पढ़ा गया। उसी तरह ई को भी जो है पांच तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ ई ई और यहाँ पर ए। तो ये ई ई जो है एक जैसा उच्चारण है, पता अंतर नहीं है कि कैसे अंतर करेंगे। जैसे वाटर में ई को अ बोला गया है, पेन में ई को जो है दोस्तों ए बोला गया है, और पीस में ई को बड़ी और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसके बाद आई को भी पांच तरह से पढ़ा गया है, अ आ ई ई। यहाँ भी देखिए ई ई जो है एक ही जैसा है, अंतर नहीं कर पाएंगे कि छोटी कौन सा है बड़ी कौन सा है, यानी आई जो है वो छोटी के लिए है या आई के लिए है। आई को तो आई बोलते हैं, पी आई एन पिन में छोटी का इस्तेमाल हुआ है, टायर में आई का इस्तेमाल आई के रूप में, सी आई आर सर्कल में आई का जो है अ के रूप में सर्कल। उसके बाद डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को चार तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ ओ। अब देखिए एस ओ एम ई, सम में ओ को आ पढ़ा गया है, अबाउट में ओ का उच्चारण ए, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है टोन। उसके बाद यू को कितने तरह से पढ़ते हैं, तो यू को भी चार तरह से पढ़ते हैं, है ना, जैसे अ आ उ ई यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को अ बोला गया, ब्यूटी पुट में यू को उ बोला गया है, और ट्यून में यू को जो है ई यू बोला गया। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, तो डबल ओ को दोस्तों पांच तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ ओ और उ ओ। जैसे एस ओ डबल एन, सून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, एफ एल डबल डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, और एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है फ्लोर। अब देखिए जो है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसिएंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो झंझट नहीं है, परेशान नहीं हो, हमारे साथ बने रहिए, आप पढ़ जाना पढ़ना सीख लेंगे, या शुद्ध शुद्ध लिखना है या फिर शुद्ध शुद्ध बोलना है, सब कुछ सीखेंगे। तेजी स्टेप सुनना तो ग्रामर से बुक लेना, मोटिवेशन करना है, एक काम ये करना है, कॉपी जरूर लेना है और उसे आप लिखते जाइए। अगर लिख लिख के बोल लेंगे तो बोलने भी आएगा, लिखने भी आएगा। रूल ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिएगी और उसी के अनुसार आप हिंदी इंग्लिश करके, यानी इंग्लिश हिंदी करके आप सीख जाएंगे, आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है, आपको भी ये प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे आप दोस्तों कम से कम 200 वर्ड मीनिंग को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको जो है वो 200 वर्ड मीनिंग इस तरह के होने चाहिए, चाहे जिसका आप स्पेलिंग आपको पहले से पता हो, जैसे मुझे कंपनी का, सॉल्ट का, केयर का पता है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए उसका उच्चारण। जैसे मुझे कंपनी, सॉल्ट, केयर मैं पढ़ने आ रहा, उसी तरह से पढ़ने आना चाहिए। और 10 दिन तक मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए। 11वें दिन दोस्तों आपको अंग्रेजी अगर पढ़ने नहीं आ गया तो जो कहें, तो जैसे के कंपनी में दो वोवेल है, आपको मैं यहाँ वोवेल के अनुसार बताऊँगा, आप एक साथ अप्लाई करेंगे सभी वोवेल को। जैसे ओ का इस्तेमाल अ हो रहा है, यहाँ अ का, ए का इस्तेमाल अ हो रहा है, कंपनी तो ए को अ पढ़ा गया, यहाँ पर अ लिखा हुआ, यहाँ भी मैं लिखा है, सॉल्ट में ए को अ पढ़ा गया, यहाँ है ना, केयर में ए को क्या पढ़ा गया, ए है, ए पढ़ा गया, मैप में ए को क्या पढ़ा गया, ए मैप, पी आर पर में ई को क्या पढ़ा गया, अ पढ़ा गया, और फेक्ट वाले में ई को क्या पढ़ा गया, वो ए पढ़ा गया। प्रीफिक्स में जो ई का उच्चारण है वो छोटी है बड़ी है, टेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है टेन। एस आई सर में आई का क्या पढ़ा गया है, तो अ पढ़ा गया है, फिग में आई को क्या पढ़ा गया है, तो ई पढ़ा गया, टीन में आई को क्या पढ़ा गया, तो बड़ी, और लाइन में आई को क्या पढ़ा गया है, तो आई पढ़ा गया। उसके बाद एस वैन सन में ओ को क्या पढ़ा गया है,
ओ को आ पढ़ा गया है, आउट में ओ को आ पढ़ा गया, अप्रूव में ओ को क्या पढ़ा गया, ऊ। मोटो में दो है ओ, एक एम के साथ एक टी के साथ, दोनों को ओ पढ़ा गया। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया। पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है। ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ई यू पढ़ा गया, ट्यून। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ऊ हुआ, लुक। दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप वाकई सीख जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको बिल्कुल नहीं आता है, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, जी हाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बने के धन्यवाद। ठैंक यू, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, ठैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।